गायत्री हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जरकपुर चंडीगढ़। आज हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनको काफ़ी सालों से डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी और कैसे उन्होंने नींद छोड़ दी थी अपने ठीक होने की, बट कैसे वो रिकवर कर गए। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जनरल सिंह। ओके, एज क्या है आपकी? 45। ओके जनरल सिंह जी, क्या हुआ था थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए। दो तीन साल पहले ना हिप में पेन आया था अचानक और खड़ा होने पे पैरों में दर्द आ रहा था। शुरू में तो मेरे को पता नहीं लगा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं समझा कि तुम्हें ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद पेन बढ़ गया ज्यादा, तो मैंने कई जगह से ट्रीटमेंट कराया, सरकारी हॉस्पिटलों में प्राइवेट में भी। लेकिन किस टाइप का ट्रीटमेंट किया था? मैंने ऑर्थोपेडिशियन से दवाई वगैरह ली थी। दवाई ली, उसके बाद 6-7 महीने दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं। उनको कुछ पता ही नहीं लगा कि प्रॉब्लम है डिस्क में आया, क्योंकि मेरे को उन्होंने यही बोला था कि आपकी नस दब की जो हिप में वगैरह में 5-6 महीने में कोई पता नहीं लगा। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाई, पंचकर्मा कराते हैं वो भी कराया, उससे कोई प्रॉब्लम है। फिजियोथेरेपी भी कराई चंडीगढ़ में कई जगह, हाँ जी, दो तीन जगह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने आपके वीडियो देखे, उससे पहले आप कहीं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी लेने? हाँ जी हाँ जी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन कहाँ से लिया था? चंडीगढ़ से, सेक्टर 9 से। सेक्टर 9 से, ओके। तो वहाँ कितने दिन गए थे आप? वहाँ रेगुलर तो मैं 1 महीना गया था, उसके बाद 1 महीना गया, हाँ जी, मतलब 30 दिन ऑलमोस्ट। हाँ जी हाँ जी, ओके। रेगुलर 1 महीना किया, उसके बाद छोड़ छोड़ के काफी दिन तक किया, तो 2-2.5 महीने कराया, थोड़ा सा उससे फर्क पड़ा, लेकिन ज्यादा फिर प्रॉब्लम थोड़े दिन बाद फिर वही। उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियो देखे थे, उसमें उन्होंने चलो यहाँ भी ट्राई मार लेते हैं एक बार, तो आपके पास आया था। पहले 2-3 दिन में तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी पिछले 10 दिन से मेरे को काफी फर्क लग रहा है इसमें, क्योंकि मेरी अभी जो पेन है वो 80% तक जा चुकी है। मतलब आपके जो हिप में पेन थी? हाँ जी, या बैक में जो पेन थी? एक्चुअली क्या हुआ था, आपका डिस्क स्पेस जो था वो काफी रिड्यूस हो गया था, बिकॉज शायद आपने इतनी ट्रीटमेंट्स लिए अलग अलग तरीके, नेट वगैरह पे पढ़ता रहा, उसमें यही लिखा हो गई है, तो एक बार कम हो जाती है, दोबारा इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या सजेस्ट किया था? डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया था कि ये आपकी डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है, अभी आप इसको पेन होता रहेगा आपके, थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाते रहो, जब सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको सर्जरी कर देंगे। मतलब इलाज नहीं उन्होंने कोई बताया? ये इलाज उन्होंने कोई नहीं बताया मेरे को कि ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। आपने फिजियोथेरेपी पहले भी करवाई थी ना कहीं? फिजियोथेरेपी कराई थी मैंने चंडीगढ़ में। तो क्या करवाते थे आप उसमें? उसमें सिंपल एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, उसमें कई बार मेरी पेन बढ़ी जाती थी, जो एक्सरसाइज वो कराते थे ना उससे उल्टा मेरी पेन कई बार बढ़ जाती थी, ऐसी एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, मेरे को यही फील होता था कि मेरी जगह स्पेस और टाइट हो रही है उससे, जो एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं। तो एक जगह मैंने ऑनलाइन भी फिजियोथेरेपी कराई थी दिल्ली से, उससे थोड़ी सी कम हुई थी, वो भी ज्यादा मेरे लिए फायदा नहीं हुआ उसको, क्योंकि मैं कम से कम जनवरी से रेगुलर फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहा हूँ, जनवरी इस साल जनवरी से 2021 से, क्योंकि शुरू में तो मेरे को पता नहीं लगा कि प्रॉब्लम क्या चीज है, क्योंकि डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपका ज्वाइंट खराब हो गया। PGI में भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, क्योंकि वहाँ भीड़ होती, 2-3 बारी मैं गया नहीं, 2-3 बारी गया, उसके बाद मैं गया नहीं, क्योंकि सवेरे जाओ शाम को बारी आती है, फिर वहाँ पर मैं गया, यहाँ धक्के खाने से तो अच्छा बाहर से ट्रीटमेंट करा रहे, ये जगह कराया, काफी दूर दूर से भी, इधर हरियाणा में भी एक जगह दवाई ली थी मैंने हिसार से, उससे भी थोड़े दिन फर्क रहा, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आ गई, होनी शुरू होगी थोड़े दिन बाद, क्योंकि दवाई खाने से थोड़े दिन ठीक रहता है, बाद में वही प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मेरे को जो पेन है 80-85% तक कम है अभी मेरी, तो मतलब अब ऐसा तो कोई पैच नहीं आया आपका इतना टाइम से कि बहुत बढ़िया एकदम से पेन? नहीं, 15 दिन में अभी मेरा, एक दिन थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर वो दोबारा कंट्रोल हो गया, क्योंकि बीच में
सिटिंग की वजह से हो जाता है कई बार। हाँ जी, सिटिंग कई बार ऑफिस में ज्यादा होती है, उठने का टाइम नहीं मिलता, मीटिंग वगैरह होती है या कोई काम आ जाता है अर्जेंट, वो करने के लिए ज्यादा 2-3 घंटे रेगुलर बैठना पड़ जाता है, तो उस टाइम थोड़ा पेन आता है, लेकिन वैसे आधा घंटा मैं आराम से बैठ सकता हूँ, उसके बाद अगर उठ जाऊँ तो मेरे को रिलीफ मिल जाता है। पहले सिटिंग का तो ध्यान रखना ही आपको, लॉन्ग टर्म अभी नहीं ले सकते। हाँ जी, पर जो आपकी खड़े होते ही आप बोलते थे कि मेरे को खड़े होते पेन आ जाता, खड़ा होने से मेरे को पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता था वहाँ, अब वो पेन नहीं आता, 15-20 मिनट ज्यादा घंटा आराम से मैं खड़ा हो जाता हूँ, इससे ज्यादा तो वैसे खड़ा होना भी नहीं पड़ता मुझे को, आधा पौना घंटा आराम से ही होता है, इतने देर में तो वैसे शिफ्ट करना पड़ता है नॉर्मल बंदे को भी, क्योंकि अगर एक जगह खड़ा होने से पहले मैं जैसे खड़ा हो ना जैसे शार्प पेन होती थी, अच्छा अब थोड़ा सा फील होता है लेकिन वो मेरे को लगता भी चला जाएगा, बहुत दर्द नहीं करता ना इतना। ठीक है, तो यानी कि अब मैं जो जितना दर्द है वो मैं सहन कर सकता हूँ, पहले दर्द ज्यादा था बहुत ज्यादा। बट आपको इस ट्रीटमेंट के टाइम में कोई ऐसी पेन्स भी नहीं फील हुई कि कई बार जैसे आप कोई कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो तो पटाखे से बजाते थे, लेकिन उस टाइम तो लगता था कि ठीक है, बाद में 2-3 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता, क्योंकि एक बार ही थोड़ा सा खींच खुच के ठीक होता था लेकिन दर्द अगले दिन फिर वही हो जाता था, क्योंकि वो ज्यादातर ट्रीटमेंट मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम, स्पाइन में तो इलाज नहीं करते, जो पैरों में ट्रीटमेंट करते रहते थे टाइप में पैरों में, वो एक्चुअली रूट कॉज जो था किसी ने फाइंड आउट ही नहीं, वो पैरों में रगड़ते रहते थे चमचे वगैरह जो पैरों में ट्रीटमेंट देते थे या टांग में ट्रीटमेंट देते थे, हिप में ट्रीटमेंट, मतलब जो जो आप बता रहे थे वही बस सुन रहे थे, एक्चुअली जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते, जहाँ दर्द होता था वहाँ उन्होंने बस ट्रीटमेंट दिया, बाकी पीठ में थोड़ा बहुत दबा देते थे, लेकिन उससे मेरे को लगा, मेरे को उसी टाइम लग रहा था कि इससे ठीक नहीं होगा। फिर भी आपने महीना गए, महीना मैं इसलिए गया, मैं चल अब क्योंकि वहाँ एकदम इकट्ठे पैसे ले लेते थे वो महीने के पूरे, अच्छा। पैसे इन्होंने पहले ही ले लिए पूरे महीने के। हाँ जी, तो मैं क्या जब है अगर जो पैसे दिए हो महीना करवा के देख लेते हैं, इसलिए मैं जाता रहा वहाँ पर महीना, एक महीना हाँ पूरा महीना लगाया मैं। तो आप काफी पैसे खर्च कर चुके हैं, मतलब अभी मैं कम से कम इस ट्रीटमेंट पे अभी तक मेरे पास 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया लगा चुका हूँ दवाइयाँ वगैरह पे, बट लेकिन यहाँ पे आपको सस्ते में इलाज हो गया। हाँ जी, नहीं मेरे को यही था कि कई बार ज्यादा होता, अभी चंडीगढ़ में मैंने पूछा था कि वो कहीं थेरेपी वाले से, वो कह रहे थे कि 1,500 रुपये लेंगे एक दिन का, मैं क्या कोई गारंटी तो है नहीं, कोई गारंटी है उसके ठीक होने की, गारंटी उन्होंने बोला कि जाएगा नहीं दर्द पूरा नहीं जाएगा, 100% नहीं जाएगा, 70% चला जाएगा, फिर मैंने करवाया नहीं वहाँ, मैं इतना महंगा इलाज कराने का फायदा कोई नहीं, अगर गारंटी देना भी हाँ ठीक हो जाएगा फिर तो फायदा है उसका। चलिए ठीक है, अभी आप फिलहाल अपने क्योंकि आपकी सिटिंग जॉब ही है मेनली बैंक में, हाँ जी, फिर भी आप वो कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हाँ जी, कर पा रहा हूँ, पहले से काफी ठीक है, काफी बाइक वगैरह भी चला रहे हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।